नमस्कार, नवजीवन बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। शाहीनबाग में चल रहे धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें धरने से लेना देना नहीं है, हमें ट्रैफिक व्यवस्था की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि धरने का ऐसा तरीका हो जिससे ट्रैफिक ना रुके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट संजय हेगड़े और साधना को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है। आपको बता दें, शाहीनबाग में सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। मूडीज ने भारत के विकास दर अनुमान को घटाया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर 5.4% कर दी है। आपको बता दें, भारत के विकास दर अनुमान पहले 6.6% से अधिक थी। CAA NRC पर अमित शाह के दावों की पूर्व IPS गोपीनाथन ने पोल खोल दी है। गोपीनाथन ने कहा है कि 3 दिन बीत गए हैं लेकिन कोई खबर नहीं है। आपको बता दें, पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथन ने 3 दिन पहले CAA और NRC के मुद्दे पर अमित शाह से अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन 3 दिन बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इस ट्वीट में गोपीनाथन ने गृह मंत्री के दावों को गलत करार दिया है।